नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम न्यूज़ क्लिक टीम के साथ खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दिल्ली में। यहाँ पर हाथरस कांड के एक साल पूरे होने पर तमाम महिला संगठनों ने मिलकर एक आह्वान किया है राष्ट्रीय स्तर पर। देश के कोने कोने में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथरस की एक साल है। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप किया और इसके बाद उसका डेथ हो गया और रातों रात उसका डेड बॉडी को चुरा के लेके जाके उसको जला दिया। वो सभी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। मगर आज ये इसी प्रकार पूरी देश के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो एक साल के बाद भी उस लड़की को और उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है। 29 सितंबर 2020 को आज ही के दिन हाथरस की बहादुर बेटी ने दम तोड़ा था और आज ही के दिन इस देश ने और पूरी दुनिया ने देखा था कि सरकारें दलित बच्चियों के साथ, उनके परिवारों के साथ किस कदर अन्याय करती हैं। उनके परिवार की इजाज़त के बिना रातों रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उसकी पुलिस ने बेटी की लाश को जला दिया था और सीधे सीधे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था पूरी दुनिया के सामने कि जब अत्याचार दलित बच्ची के साथ होता है तब किस तरह से अमानवीय पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आज का काल क्यों है? क्योंकि हाथरस एक साल हो गया घटना घट के। आप लोगों को सबको पता है किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने उस केस में हैंडल किया है, उसके बाद कितना गुस्सा लोगों को आया है, इतना प्रेशर, फिर छोटा ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तक सब इस केस में कुछ न्याय मिलने के लिए सब तरह का प्रयास किया है ताकि वो फैक्ट फाइंडिंग हो और लीगल इंटरवेंशन हो और इंटरनेशनल एडवोकेसी हो। इतना करने के बाद भी एक साल हो गया। आप लोगों को पता है SC ST एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 60 डेज में न्याय मिलना चाहिए, मगर इतना साल, एक साल हो गया फिर भी हमको न्याय नहीं मिला। इसलिए हमने ये नेशनल कॉल कर रहे हैं गवर्नमेंट को अटेंशन इस केस के ऊपर लेके आने के लिए। यही नेशनल कॉल था। न्याय एक साल हो गया, अभी तक नहीं मिला। ये तो इसकी लंबी लंबी परंपरा है इस देश की कि दलित महिलाएं और आदिवासी या हाशिए के महिलाओं को या बच्चियों पर जब भी अत्याचार होता है तो उन्हें न्याय मिलने में बहुत बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता है। किस तरह की न्याय व्यवस्था है? क्या आप बच्चों में आस दिला पाएंगी जब एक साल हो गया हाथरस की बेटी को गुजरे हुए और जो पूरा कानून कहता है, यहाँ पे सीधे सीधे मामला SC ST एट्रॉसिटी का है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है, जनवरी में फास्ट ट्रैक में गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। बहुत सुंदर अवसर दे दिया COVID-19 ने सरकार को कि हम इस कारण नहीं कर सके, अन्यथा सारे के सारे, चाहे वो पायल तड़वी हो, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, हमारी सुनवाई कहीं है नहीं। और इसलिए लगातार हम जो बात कर रहे हैं, बहुत बहुत आपने मार्मिक सवाल किया है कि मैं विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दूँ। निश्चित तौर पर हम संवैधानिक स्तर पर ही सारी की सारी मांग करते हैं, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम उनको संविधान की के पालन के लिए ज़रूर प्रेरित करें। लेकिन जब संविधान के होने के बाद भी उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है तब व्यक्ति कहाँ जाए? तब हमारे सामने सड़क ही होती है जहाँ हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि किसी भी तरह के मामले, केवल SC ST का मामला नहीं है, जिस किसी भी व्यक्ति को अपने मनुष्य होने के अधिकारों की कटौती जहाँ दिखाई देती है वहाँ हम सड़क पर होते हैं। आज की तारीख इसलिए भी बहुत ज़रूरी है याद करना, 29 सितंबर 2006 को आज ही के दिन खेरलांजी कांड हुआ था महाराष्ट्र में। खेरलांजी में चार दलित लोगों की, भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, दो महिलाओं की सामूहिक बलात्कार करके उन्हें मार दिया गया था। बहुत ही बर्बर क्रूरतम अपराध
खैरलांजी में भी हुआ था। खैरलांजी को आपने देखा होगा, खैरलांजी एक इतना जघन्य और पाशविक अत्याचार हुआ था कि एक पूरी कुटुंब को, एक पूरी फैमिली को, पूरे गांव ने मार दिया था और लड़कियों पर और महिला पर सामूहिक बलात्कार दिन दहाड़े किया गया था। उसकी याद आज भी आती तो अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं और हमें लगता है कि ये घटना हमारे रहते हुई है। और उस घटना में जो SC/ST एक्ट लगना चाहिए था वो नहीं लगा और उसकी वजह से जो जिनको फांसी की सजा होनी थी उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और लगभग आधा गांव जो गुनहगार हैं वो छूट गया है। तो पुलिस प्रशासन और राजनीतिक जो महकमा है, राजनीतिक जित, तो उन लोगों ने मिलकर उस घटना को न्याय ना ही मिले इसकी पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है हाथरस भी वही दोहराया गया है और हाथरस की बच्ची को जो जिसकी हत्या हुई है, गैंगरेप के बाद हत्या हुई है और रात के अंधेरे में पुलिस ने उसको जला दिया, ये एक और ही भयानक हादसा हमारे सामने है। और आज ही का दिन याद करने का है कप्पन को। संदीप कप्पन एक हमारी ही बिरादरी के एक पत्रकार जो केरल से जिनका रिश्ता है, वो हमारे ही साथ तकरीबन तमाम पत्रकारों की टीम के साथ जा रहे थे हाथरस को कवर करने के लिए। हाथरस में जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से लाश जलाई गई, उसने देश भर के मीडिया को आक्रोशित किया था। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहते थे। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज भी सदीक कप्पन जेल में हैं। कारण बताया गया कि वह एक हाथरस साजिश का हिस्सा हैं, एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई अता पता नहीं, जो अभी तक न्याय मिलना चाहिए जिस लड़की को, जिसका परिवार भीषण संकट में झेल रहा है, उसको न्याय तो योगी सरकार नहीं दिला पाई। लेकिन उसने यह काम किया कि उस अन्याय को जो लोग सामने लाना चाहते थे उनके खिलाफ एक अभियान और एक भय का माहौल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। आज भी यह भय का माहौल जारी है। हमने देखा कि ये पहला मामला है कि जहाँ पे लोग जो विरोध कर रहे थे उसे हाथरस कॉन्स्पिरेसी के रूप में, और वो उस केस में जो लोग हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, जैसे हमारे जो पत्रकार कप्पन हैं या बाकी और लोग, ये कैसे आप इस फिनोमिना को देखते हैं? आई थिंक दिस इज अनदर वे दे आर मिसलीडिंग द केसेस एंड कम्प्लीटली डूइंग व्हाट वी कॉल काउंटर केसेस। वो काउंटर केसेस के दे आर टेकिंग इट सीरियसली बट नॉट एक्चुअली द केसेस ऑन व्हिच द जस्टिस हैज टू बी गिवन। हम भी जो लोग हैं कबीर कलाम से, हम यही मुद्दों पे बात करते आ रहे, फिर भी हमारी, हम जो बात करेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे चार्जेस लगाए दिए जाते। जैसे कि हमारे साथी, तीन साथी अभी जेल में, भीमा कोरेगांव का जो केस है, जो मामला है, जो किया था भिड़े एक बोटे ने, और चार्जेस लगाए हमारे साथियों के ऊपर, UAPA के चार्जेस लगाए। हमने जानने की कोशिश की परिजनों से, हाथरस परिवार से, तो पता चला कि पूरा का पूरा गाँव इस परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज भी जब सुनवाई के लिए लोगों को जाना पड़ता है, बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होता है, कोई भी उस परिवार की मदद के लिए सामने नहीं आया। न्यूज़ क्लिक की टीम जब पहुंची थी हाथरस रिपोर्ट करने के लिए, किस तरह का माहौल था, किस तरह से परिवार उस समय भी न्याय के लिए बेतरह कोशिश कर रहा था। 365 दिन बीत गए बेटी को गए हुए, 365 दिन, और तब से लेकर आज तक जो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए था, जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए था, जिस तरह से बाकी न्याय मामलों में एक बहुत बड़े पैमाने पे कैंपेन चलती है, हम देख रहे हैं कि हाथरस मामले में पूरी की पूरी अनदेखी है। और उसके उलट योगी सरकार हाथरस पर जो गुस्सा तमाम समुदायों में और ख़ास तौर से दलित समुदाय में उमड़ा था, उसे हाथरस साजिश कहकर एक आपराधिक रूप देने पर उतारू आज की तारीख में भी है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम हाथरस कांड को याद करें, हाथरस की उस बहादुर बेटी को याद करें जो जिसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसको मारने की कोशिश 14 सितंबर को हुई थी, 11 दिन तक वह बच्ची बहादुरी से लड़ती रही, उसने अपना बयान दिया, उसके बयान पुलिस में दर्ज है जिसमें उसने बाकायदा नाम के साथ बताया कि किस किस ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लेकिन यह विडंबना ही है कि सब सारे प्रमाण होने के बावजूद आज की तारीख तक न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है।
आप देखा जाए तो हाथरस की जो बात है, हाथरस के केस को एक साल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी आरोपियों के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है और ना किसी को अरेस्ट हुए, ना उसको वो देश की बेटी कह के उसको पुकारा जा रहा है। तो हम देखा जाए तो देश भर में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर ऐसे कम अधिक इसके जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये जो मामले हैं इसको हम लोग कैसे देखते हैं, इस समाज ने देखना चाहिए कि भाई ये बेटी जो है ये सब देश की बेटी है। जिस तरीके से पंत प्रधान बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी क्या बोलते हैं उसको बेटी बचाओ, लेकिन फिर भी उन्हीं का जो सीएम है, उन्हीं के जो सीएम है वो बेटी जलाने का काम कर रहे हैं यूपी में, जो हाथरस केस में हुआ है। सीएम से लेकर कांस्टेबल तक आदमी वो जो लोग है वो उसके खिलाफ काम कर रहे हाथरस के कांड के खिलाफ। तो ये बहुत गलत तरीके से चल रहा है। योगी और मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि कमज़ोर तबकों पर इसी तरह से दमन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, और शोषण करने वाला उसको हम संरक्षण देंगे। ये बताइए कि जब भी मामला अधिकांश देखा गया है कि दलित लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ होता है, तो न्याय बहुत दूर लगता है। और हाथरस से एक डर ये भी हो गया है, जिस तरह से लाश जलाने वाला हमने दिल्ली कैंट में भी देखा कि वहाँ बच्ची का, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और तुरंत लाश जला दी गई। आप कैसे देखते हैं और इतनी दूर आपने सफ़र क्या सोच के किया? देखिए, ये जो सफ़र तो हमारा ये बहुत हज़ारों सालों का है, जो मतलब ये नॉट ओनली दिल्ली टू पुणे का है, तो ये सफ़र जो है वो बहुत ही घिनौना सफ़र है, या जातिवाद का, धर्म का सफ़र है। इस सोच को बदलने के लिए हमें बहुत और भी आगे चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम ये भी सोच रहे थे यहाँ पर आने तक कि जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में रखा गया, ये दिल्ली में नहीं रखना चाहिए था, वो हाथरस में रखना चाहिए था, ताकि वहाँ के गांव वाले हो या वहाँ के घर वाले हो, उनको कुछ हौसला मिले, या उनको जो अपोजिट वाले भी हैं उनको भी समझे कि दलित जो लोग हैं वो यहाँ पे आके भी अपनी बात रख रहे हैं। और जो आपने बोला कि जो जलाने वाली बात है, वो तो एक बहुत भयानक चीज़ है, मतलब एक कानूनी एक मामला है कि पहले तो एटलीस्ट वो लड़की को ज़िंदा रखा जाता था, लेकिन अब जिस तौर से जैसे जैसे ये कानून बढ़ाया जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि हम उसका रेप भी कर दें और उसको जला के मतलब नष्ट ही कर दे पूरा। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि ये कानून जो है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो पुरुष की मानसिकता है वो उसको फांसी देने से तो बंद नहीं होने वाली है। ये मानसिकता बहुत ही जड़ में है, जो स्कूल से ही हमें उखाड़नी होगी, टीन एज से ही उखाड़नी होगी, तो इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। जी, शुक्रिया। महिला शोषित तबका तो नहीं, मगर महिला एक शोषित पार्ट है हमारे समाज का, और वो महिला अगर दलित हो तो वो शोषण कई गुना बढ़ जाता है, और वो गरीब भी हो तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। ये साफ है कि वो दलित हैं, और वो लड़की के ऊपर उल्टा आरोप लगाया गया कि उसका तो रिलेशनशिप में थी उन ठाकुरों से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही होता है निर्भया के साथ भी, कि रात में क्यों निकली थी, इस तरह से हर एक के साथ इसी तरह बात की जाती है। और अगर वो दलित या मुसलमान या वंचित तबके से हैं, जैसे कि कठुआ में हुआ, जैसे और भी जगह हुआ, तो उनके ऊपर यूं ही अटैक होता है। मनुवादिता, पितृसत्ता इन पर हावी है। दमन करना नए भारत की का नया नॉर्मल बन गया है। दमन वो सबके ऊपर कर रहे हैं, महिलाओं पर भी, दलितों पर भी, मुसलमानों पर भी, मजदूरों पर भी, किसानों पर भी। और ये दमन की राजनीति, इसको ख़त्म करना है तो मोदी योगी राज को ख़त्म करना होगा, सीधी बात है। इतना भी है कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ये सारा चीज़ हो रही है, उसी एक्ट के बिल्कुल उल्लंघन भी हो रही है।
60 दिन के अंदर इसका सारा न्याय प्रक्रिया पूरा होना चाहिए। एक साल के बाद भी जो सारा इंक्वायरी ये भी कंफर्म किया है इसके साथ बलात्कार हुआ है करके, फिर भी ये न्याय प्रक्रिया यूपी के अंदर हुआ ये इस इंसिडेंट के ऊपर न्याय प्रक्रिया क्यों टालती जा रही है, क्यों इतना देर हो रही है? एक साल के बाद जो जहां तक केस पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये केस चल रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है और जानकारी है हमारे पास कि अभी तक चार्जशीट भी नहीं हुई है। अभी केवल परिवारजनों के ही इंटरव्यूज़ और उन्हीं को कोर्ट में ले जाकर उनसे पूछताछ हो रही है, और मुझे लगता है निर्भया केस की तरह इसके लिए भी हमें उसी तरह का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज 29 सितंबर के ही दिन एक साल पूर्व पहले जो ये घटना, जघन्य घटना घटी है, तो उसकी ही उसी के उपलक्ष्य में हम ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर है, और लगभग देश की नेशनल जो महिला आंदोलन है वो 25 के करीब नेशनल आंदोलन की महिलाएं एकत्रित आकर इसका विरोध कर रही है, और हम चाहते हैं कि इस केस में निर्भया की केस की तरह लंबा समय इंतज़ार न करना पड़े और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हाँ, यही हमारी मंशा है। ये हाथरस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद भी यदि हम इतना डिले कर रहे हैं, तो हमारा सवाल तो सिर्फ इन्हीं लोगों से हो सकता है ना, न्याय व्यवस्था से हो सकता है, शासन से हो सकता है, प्रशासन से होता है, कि ये सारे के सारे लोग मिल करके संविधान के साथ चल रहे हैं या मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इसमें हमने ये भी देखा, क्योंकि मैं खुद भी गई थी वहाँ पे, पूरा का पूरा गांव पीड़ित परिवार के खिलाफ है, और लगातार एक पॉलिटिकल क्लास भी पीड़िता को ही बदनाम करने, उसके परिवार को ही बदनाम करने की साजिश आज भी कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हम भी वहाँ गए थे और हमने यही पाया कि सारा गाँव बिल्कुल एक तरफ है और एक अकेला परिवार एक तरफ है। सुरक्षा दी हुई है सरकार ने, लेकिन ये सुरक्षा कब तक दे पाएंगे? और पीड़िता को ही मैंने हमेशा ही देखा है, चाहे पहले माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री रही हूँ, वो भी रोहित वेमुला के संदर्भ में किस तरह के बयान देती हैं, जब तक उच्च स्तरीय पदों पर विराजमान लोग इस तरह की बात करते रहेंगे, स्वयं एक हिस्से को मनुष्य मानने से इनकार करते रहेंगे और अपनी वर्चस्वता को, अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखेंगे, तब तक इस देश के आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, ये लोकतंत्र कैसे कहलाएगा, ये गणतंत्र कैसे कहलाएगा, इस पर सवाल लग रहे हैं। और अब तो ये तो गनीमत है कि अब पैरेलल मीडिया हमारे सामने है, उसके माध्यम से कम विश्व तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है, चाहे मुख्य धारा का मीडिया इन बातों को ना दिखाए, तो वैश्विक छवि भी किस तरह से हमारी दागदार हो रही है, इस पर भारत सरकार को अवश्य सोचना चाहिए कि हम किस तरह का मैसेज दे पा रहे हैं। हमें उस आज के दिन हमें बोल रही है कि उस बच्चे को और उसके परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ये देश में कानून है, हमारी संसद ने पास किया हुआ कानून है, और उस कानून उसको सही तरीके से इसका अंदर लागू होना चाहिए, उसी के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम सुनिश्चित करना। ये बात बोल के पूरे देश में आज सिर्फ महिला नहीं, सभी जनता इस मांग को लेकर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक में जाने से फायदा क्या? जनवरी में फास्ट ट्रैक में गया और अभी भी हाथरस साजिश के नाम पर बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये बहुत फास्ट ट्रैक फार्स ट्रैक है, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, ऑल द प्रोसीजर्स आर बीइंग फ्लाउटेड। पहले आप देखा 4-5 दिन के बाद एक खबर आया, हाथरस विक्टिम को डेथ सेंटेंस हुआ। हम सच में फैंटास्टिक, बट देखने के पहले ये बहुत पहले का केस है।
So they are just completely misleading the whole justice issue to the Hathras victims. Ko pura mislead kar raha hai. And even now, after Hathras, jyada cases bhi hua, usko bhi wo nyay nahi mil raha hai. Hathras ki beti ko gaye hue ek saal ho gaya. 29 सितंबर को ही देश ने हाथरस की बेटी को खोया था और साथ ही एक बहुत बड़े तबके ने खोया था पूरा का पूरा कानून और व्यवस्था पर विश्वास. जिस तरह से दलित की बेटी को बिना परिजनों के जबरिया पुलिस ने जलाया था. और यह मामला यहीं नहीं रुका. हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली कैंट में भी हाथरस को दोहराने की कोशिश की गई 2 अगस्त को, जब 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी लाश को जलाया गया. सिर्फ मामला यही नहीं है, हम जानते हैं कि किस तरह से दलित महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं और साथ ही साथ उस मांग के, इंसाफ की मांग के साथ खड़े हुए लोगों के ऊपर जिस तरह से आतंक का साया बढ़ रहा है, जिस तरह से न्याय को उनसे दूर खींचा जा रहा है, ऐसे में शायद बहुत ज़रूरी है इस तरह के आयोजनों का होना, हाथरस में न्याय मिलना और हाथरस के नाम पे जिस तरह की साजिश को बिल्डअप करने की कोशिश योगी सरकार ने की, बहुत ज़रूरी है उसे याद करना. और इन संगठनों ने जिस तरह से संदीप कप्पन की रिहाई की मांग की है, जिस तरह से बोला है कि हाथरस साजिश के नाम पर योगी सरकार ने पूरे दलित आक्रोश को आपराधिक बनाने की कोशिश की है, वह बहुत प्रासंगिक है.